पंचकूला कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट और चंडीगढ़ बस स्टैंड को उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर के पास भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान जारी है। ये बड़ी खबर, पहले बताई जा रही थी मॉक ड्रिल, गणतंत्र दिवस से पहले पंचकूला कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का एक पत्र मिला है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कोर्ट को उड़ाने की धमकी का एक पत्र मिला है जिसके बाद से अब सुरक्षा जो बल हैं वो अलर्ट हो गए। बिल्कुल, इधर देखिए पंचकूला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का जो पत्र है वो मिला है। पंचकूला कोर्ट परिसर में हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट है, विशेष एनआईए कोर्ट, विशेष विजिलेंस कोर्ट और ईडी की विशेष कोर्ट भी इसी परिसर में जो है मौजूद है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो है बम से उड़ाने की धमकी का जो बेहद गंभीर मामला और बड़ा मामला जो है वो सामने आया है, पत्र मिला है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ जो बस स्टैंड है उसको उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ कोर्ट को उड़ाने की धमकी का जो पत्र है वो मिला है। और इस मौके पर अगर बात की जाए तो डॉग स्क्वाड के तहत अन्य जो विस्फोटक सामग्री और संदिग्ध व्यक्ति को पहचानने में प्रशिक्षण जो तमाम जो चीजों की जरूरत होती है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी खबर है। और वहीं अगर बात की जाए पंचकूला के एसीपी सुरेंद्र कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया क्योंकि पहले इस पत्र को चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित चंडीगढ़ कोर्ट और बस स्टैंड का जिक्र किया गया था, इसके चलते चंडीगढ़ पुलिस भी इसकी को भी इसकी सूचना जो है दी गई है। तो चंडीगढ़ में भी कहीं ना कहीं जो जारी जो तलाश है या फिर जिस प्रकार की जो धमकी भरा पत्र मिला है तो इसकी जांच जो है वो जारी है। तो पहले बता दें कि इसको पहले मॉक ड्रिल के तौर पर लिया जा रहा था, औपचारिक तौर पर मिली जानकारी से ये बात साफ हुई है कि ये मॉक ड्रिल नहीं बल्कि सचमुच में कोर्ट में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके चलते पिछले 5 घंटे से ऑपरेशन जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। जी, लेकिन रवि, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही हैं और राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस, उसी को लेकर के पहले से ही सुरक्षा बल तैनात थे और पुलिस की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया और तमाम जो चेकिंग अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से अब धमकी भरा पत्र मिला है कोर्ट को उड़ाने के लिए, तो उसके बाद से अब क्या कुछ ज्यादा सतर्कता बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर जिस प्रकार की पत्र मिला है उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पहले से 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस के डीजीपी की तरफ से जो है हिदायतें वो जारी कर दी गई थी, तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अच्छे से चेक किया जाए, तमाम जो नाकेबंदी जो जगह जगह पर करनी है उनको किया जाए, अच्छे से चेकिंग करने की हिदायतें डीजीपी पुलिस के द्वारा जारी कर दी गई थी। और साथ साथ अगर इस पत्र का मिलना है काफी बेहद चिंताजनक है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियां हैं वो प्रयास करने में जुटी है, तब्दील जो है उनकी जारी है, किस प्रकार से किसने ये जो लेटर जो है वो लिखा है और किस प्रकार से क्या जो धमकी भरा जो पत्र है उसको गहनता से उसकी जांच की जा रही है, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है या कौन इसके पीछे है जो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मुस्तैद है और लगातार पिछले 5 घंटे से जो है तफ्तीश जारी है। जी, लेकिन रवि, अभी तक क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 5 घंटे से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और डॉग स्क्वाड भी साथ में है, तो अभी तक क्या कुछ ऐसी कोई चीज, संदिग्ध वस्तु कोई ऐसी बरामद हुई हो? देखिए अभी तक इस प्रकार की कोई वस्तु जो है फिलहाल बरामद होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी को देखते हुए ये मामला बेहद गंभीर जरूर माना जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियां प्रयास करने में जुटी है, तमाम चीजों की जो जांच है बारीकी से उनको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि इस प्रकार कोई विस्फोटक तो कोर्ट परिसर में नहीं मौजूद है या फिर जिस प्रकार से अन्य जगहों पर की को उड़ाने की धमकी मिली थी उन जगहों को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है गणतंत्र दिवस के मौके पर, पहले ही सुरक्षा बल अलर्ट, लेकिन अब और भी ज्यादा अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है और बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरा चेकिंग अभियान जारी है। देखिए बिल्कुल जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरा चेकिंग अभियान जारी है।